हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका कंप्यूटर के इस ट्यूटोरियल में। देखिए, मैं इसमें आपको शॉर्ट कमांड से बुलेटिंग भी लगाना बता देती हूँ, एक बार लगाना बता देती हूँ, और एक बार नंबरिंग भी लगाना बता दूंगी शॉर्ट कमांड से। कल बताऊंगी, आज शॉर्ट कमांड से बुलेटिंग लगाना और हटाना दोनों बता देती हूँ, यानी एडिंग एंड रिमूविंग। तो हमारे पास चाहे वर्ड हो, एक्सेल हो, पावर पॉइंट हो, दो शॉर्ट कमांड्स काम करती हैं। आप तीनों में ही बुलेट्स का यूज़ कर सकते हैं। बुलेट्स जो होता है, मैंने आपको बताया बुलेट्स क्या होते हैं, एक तीर की तरह होते हैं, पैराग्राफ्स को हाइलाइट्स या पॉइंट्स को हाइलाइट करने के लिए दिए जाते हैं पावर पॉइंट, एक्सेल और जो एमएस वर्ड है उसमें। और यहाँ पे हमारे पास दो कमांड होती हैं, दोनों में से एक बहुत इफ़ेक्टिव है, मैं बताऊँगी, और एक और वर्क करती है, पर वो ज़रूरी नहीं कि हर ऑफिस में वर्क करे, फिर भी मैं आपको दोनों बताऊँगी। वैसे तो मैंने आपको बुलेट्स कहाँ कहाँ मिलते हैं तीनों तरीके बता दिए, होम टैब में, एप्लीकेशन में, और होम टैब में कैसे कैसे जाना है। तीसरा तरीका यही है शॉर्ट कमांड्स वाला, जो मैं आज आपको बता रही हूँ। अभी हम उन पॉइंट्स को, उन पैराग्राफ्स को सेलेक्ट कर लेंगे जिनको हमें बुलेट्स लगाना है। आप देख लें, कॉलम्स में हैं तो मैंने आपको कॉलम्स को सेलेक्ट करने का तरीका बताया है, रोज़ में तो रोज़ में, नहीं तो सेंटेंसेस में हैं, या पैराग्राफ्स में हैं, या कैरेक्टर्स वर्ड्स में, या जिसमें कैरेक्टर में, तो वो खैर इम्पॉसिबल सही लगता है, इम्पॉसिबल तो नहीं हो सकता, पर होते नहीं है कैरेक्टर पर बुलेट्स, ठीक है ना, बहुत कम है, और होता भी है कभी कभी, पर वो डेटा में बड़े कम होते हैं ना, ठीक है ना, मतलब कोई और चीज़ हाईलाइट करने के लिए लगाया हो तो अलग बात है। तो वर्ड्स में, पैराग्राफ में, पॉइंट्स में, जहाँ पे भी हैं उनको सेलेक्ट कर लीजिए। फिर आपको एक कमांड देनी है, एक कमांड है ऑल्ट एच ओ एन, क्या है, ऑल्ट एच ओ एन, ठीक, यहाँ ऑल्ट एच ओ एन करेंगे आप, तो आपको ऑल्ट एच ओ एन करते ही आपको राइट एरो से, राइट एरो या अप डाउन एरो और टैब से, पहला ऑप्शन नन का होगा छोड़ दीजिए, राइट एरो, अप डाउन एरो से या टैब से आपको जो बुलेट्स पसंद हो उन बुलेट्स, उसी बुलेट पर आप एंटर कर दीजिए, वो बुलेट्स आपके डेटा में अप्लाई हो जाएंगे, ठीक है, और फिर आप उसको इंसर्ट एफ से चेक भी कर सकते हैं, ठीक। और यही तरी दूसरा शॉर्ट कमांड है, जो पॉइंट्स आपको जिनमें बुलेट्स लगाना है मैंने जैसा कहा वैसे सेलेक्ट कर लीजिए। और दूसरा शॉर्ट कमांड है ऑल्ट एच यू, क्या है, पहला क्या बताया ऑल्ट एच ओ एन, दूसरा क्या बता रही हूँ ऑल्ट एच यू, ऑल्ट एच यू कीजिए, फिर ऑल्ट एच यू करते ही राइट एरो या अप डाउन या टैब से आपको जो भी बुलेट्स चाहिए उन बुलेट्स पे एंटर कर दीजिए, इंसर्ट एफ से चेक कर लीजिए, ये बुलेट्स आपके डेटा में अप्लाई हो जाएंगे, इंसर्ट एफ से आप चेक कर सकते हैं। और जब आपको रिमूव करने हैं बुलेट्स, तो आपको क्या करना है, जो भी आपको रिमूव करने हैं फिर से उन पॉइंट्स को सेलेक्ट कीजिए, या कॉलम रोज जो भी हैं, पैराग्राफ्स हैं, लाइंस हैं, सेलेक्ट करने के बाद आप उन्हें ऑल्ट एच ओ एन, नंबर वन कमांड है ऑल्ट एच ओ एन, नंबर टू ऑल्ट एच यू, नंबर वन ऑल्ट एच ओ एन, नंबर टू ऑल्ट एच यू, दोनों में से कोई शॉर्ट कमांड दीजिए। जैसे ही आप राइट एरो करें, मतलब ऑल्ट एच यू या ऑल्ट एच ओ एन करेंगे, तो आपको पहला ऑप्शन मिलेगा नन, तो आप नन पे एंटर कर दीजिए। नन पे एंटर करने के बाद आप चेक कर लीजिए अप डाउन एरो से सारे बुलेट्स हट चुके होंगे, नहीं तो इंसर्ट एफ से चेक कर लीजिए, जहाँ जहाँ जिन बुलेट्स को आपने हटाने के लिए सेलेक्ट किया है, तो आपको वो वर्ड, सेंटेंस, पैराग्राफ या कॉलम रोज जहाँ पे भी आपने बुलेट्स अप्लाई किए थे वो हट चुके होंगे। पर ऑल्ट एच ओ एन, ऑल्ट एच यू बुलेट्स लगाने के लिए भी, और जब आपको हटाना है तो हटाने के लिए भी नन पे एंटर करना होगा, ठीक है। और फॉर्मेटिंग चेक करने की कमांड क्या है, इंसर्ट एफ। तो ये शॉर्ट कमांड से बुलेट लगाने और हटाने की बात थी, कल नंबरिंग की बात करेंगे, ठीक है। आज के लिए दोस्तों प्रैक्टिस कीजिए, कल फिर से हमारी मुलाकात होगी। थैंक्स डियर ऑल, थैंक्स फॉर लिसनिंग।